ईसी और ईवीएम पर सवाल को लेकर सीईसी का बयान आया है, हम भी किसी दिन देंगे जवाब। ये बड़ी बात राजीव कुमार के द्वारा कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुमराह करने वाले को जवाब दिया, संदेह का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई। ये भी कहा गया लोगों को बताएंगे कैसे गुमराह किया जाता है। ये बड़ा बयान जो है सामने आया है, ईसी और ईवीएम पर सवाल जो लगातार खड़े किए जा रहे हैं उस पर सीईसी ने बड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा हम भी किसी दिन जवाब देंगे राजीव कुमार, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गुमराह करने वालों को जवाब दिया है, संदेह का माहौल पैदा करने की कोशिश की, लोगों को बताएंगे कैसे गुमराह किया जाता है। संशय का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, बताएंगे इसके बारे में सबको एक दिन जरूर। क्या क्या प्ले है इसमें, क्यों ऐसा होता है, क्यों शंकाएं पैदा की जाती हैं, इसके बारे में एक दिन खुलासा करेंगे और खुलासा करके सबको बताएंगे कि कैसे लोगों को गुमराह किया जाता है। कैसे हमें ऐसा लगता है कि इसकी वजह से तो शायद हमारी वोटिंग पर भी फ़र्क पड़ता है। लोगों के मन में शंका आ जाती है कि पता नहीं ईवीएम ठीक है कि नहीं है, पता नहीं वोटिंग की लिस्ट ठीक है कि नहीं है, पता नहीं नंबर तो नहीं बढ़ा दिया वोटिंग का। इन सब का जवाब कल तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, हम भी देंगे लेकिन एक दिन। पीएम मोदी ने बिहार में रैली के दौरान विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिसने भी चोरी की है वो कितना भी बड़ा शहजादा क्यों ना हो उसको जेल जाना ही पड़ेगा, जेल की रोटी खानी ही होगी। ये बड़ा बयान पीएम मोदी के द्वारा क्या कुछ कहा है आइए सुनते हैं। मोदी डरता नहीं है, जिसने चोरी की है, जिसने गरीब को लूटा है और कितना ही बड़ा शहंशाह क्यों ना हो, कितना ही बड़ा शहजादा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अपने आप को तिस्मार का क्यों ना मानता हो, उसको जेल जाना पड़ेगा, जेल में जीना पड़ेगा। जेल की रोटी चबा करके ही उसकी जिंदगी पूरी होने वाली है। आरक्षण को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष को फिर घिरा है, एससी एसटी ओबीसी आरक्षण पर राजनीति का आरोप लगाया। विपक्ष को वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, वहां जाकर मुजरा भी करना हो तो करें। पीएम मोदी ने यह कहा, जब तक जान है आरक्षण पर जारी रखूंगा लड़ाई। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी एसटी ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा 4 जून को कांग्रेस का शाही परिवार अपनी हार का ठीकरा खड़गे जी पर फोड़ेगा और छुट्टी मनाने विदेश चला जाएगा। जून शाम होते होते आरजेडी वाले कहेंगे कि कांग्रेस ने लुटिया डुबो दी। एक दूसरे के कपड़े फाड़ना शुरू करेंगे। 4 जून को दूसरा क्या होगा वो भी बता देता हूं। ये कांग्रेस का शाही परिवार क्या करेगा? कांग्रेस का शाही परिवार पराजय का ठिकरा खड़गे जी के सर पर फोड़ करके वो विदेश में छुट्टियां मनाने चला जाएगा। और बेचारे खड़गे जी
कार्यकर्ताओं का गुस्सा सहते सहते थक जाएंगे। तो वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी 2047 की बात कर रहे हैं, क्या मोदी 2047 तक जीवित रहेंगे, ये खड़गे ने बयान दिया। माँ गंगा ने उसको बुलाई है और वो बोल रहे हैं कि 47 तक अब 47 का शाश्वत भी रहेंगे अगर क्योंकि कहीं समंदर में डूबते हैं, कहीं गंगा में डूबते हैं, कभी गुहा में जाते हैं, कभी अकेले तपस्या करते हैं, उस तपस्या का फल अगर उनको मिलने वाला है तो मुझे मालूम नहीं। अमित शाह का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। बता दें राहुल गांधी झूठ का मुद्दा बनाते हैं, अमित शाह ने कहा है। राहुल ने अग्निवीर योजना पर झूठ फैलाया, राहुल नौकरी पेंशन पर भ्रम फैला रहे हैं। अग्निवीरों को कई सेवाओं में आरक्षण मिलेगा, अग्निवीरों को पुलिस बल में आरक्षण मिलेगा, ये बातें अमित शाह के द्वारा कही गई है और राहुल गांधी पर निशाना भी साधा गया। राहुल गांधी जी ने एक नई परंपरा शुरू करी है कि झूठी बात को ही मुद्दा बनाया जाए और इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण अग्निवीर योजना है। मैं आज अग्निवीर योजना के बारे में थोड़ा डिटेल बात इसलिए करना चाहता हूं कि देश भर में भ्रांति फैलाई जा रही है। राहुल गांधी जी अपने पार्टी के फायदे के लिए सरासर झूठ लोगों के बीच में फैला रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के अंदर इस तरह की झूठी बातें फैलाते हैं, आप लोग ये मेरी बात को युवाओं के लिए, पूर्व सेना के हमारे जवानों के परिवारों के बीच में ये बात को जरूर पहुंचाइए। नौकरी सभी को मिलनी है। राहुल जी का जो झूठ बोलने की आदत है, बार 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 झूठ को बोलते जाना, अग्निवीर इसका बेस्ट एग्जांपल है। शहडोल की बात करेंगे, दो युवकों की लोगों ने